दोस्तों सन 1872 में HMS चैलेंजर नाम की एक कंपनी पैसिफिक ओशियन की गहराई नाप रही थी। अब पैसिफिक ओशियन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। दरअसल समुद्र की गहराई नापने के लिए वे समुद्र में एक मेटेलिक रस्सी डालकर उस जगह की गहराई नाप रहे थे। नॉर्मली अभी तक उन्होंने जितनी भी जगह को नापा था उन जगह की गहराई 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की ही थी। इस मेजरमेंट में अभी तक सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेटर्स पैसिफिक ओशियन के इस जगह यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाली जगह की स्टडी करना चालू करते हैं वे दंग रह जाते हैं। इस बार भी वे अपनी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पानी में डालते हैं और वो पूरी की पूरी रस्सी पानी में डूब जाती है, फिर भी सतह नहीं मिलती है, जबकि अनुमान ये था कि उस जगह की गहराई केवल 1 किलोमीटर तक ही होनी चाहिए थी। खैर वे लोग एक और 1 किलोमीटर लंबी रस्सी एड ऑन करते हैं और वो भी पूरी की पूरी डूब जाती है। ऐसे करते करते उनकी पूरी 11 रस्सियां गहराई में डूब जाती हैं और तब कहीं जाकर उन्हें सतह मिलती है। लेकिन जब वे सारी रस्सियां निकाल लेते हैं वे देखते हैं कि उनकी मेटेलिक रस्सियां डैमेज हो चुकी होती हैं।